बहुत बड़ी मतलब खुशी है ये गाइस। जो चीज हो रही है ना, ये समझ लीजिए कि लोग मिन्नत बहुत करते हैं ना तो बड़ी भी नहीं मिलती है। बहुत बड़ी खुशनसीबी हम लोगों की। हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे अपने घर से। तो आज घर में फिनिशिंग का पार्ट चल रहा है। गेट वेट सारे लग चुके हैं, सारे रूम की लाइटिंग हो रही है और स्विच बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं। और जो रेलिंग थी वो रह गई थी, तो वो लग रही है ऊपर वाले रूम में। इस वाले रूम में आप देखेंगे तो सारी लाइट्स वगैरह जो है वो सब लग चुकी है। अब हम ज्यादा पार्ट्स नहीं दिखाएंगे, मैं बस सारा कुछ दिखाएंगे हमारे रूम टूर में, होम टूर में। होम टूर में हम ज्यादा चीजें नहीं दिखाएंगे, बिकॉज अभी फंक्शंस में तो आपको वैसे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। और जितने ज्यादा कमेंट अभी होम टूर के लिए रहेंगे ना, उतनी जल्दी हम होम टूर करेंगे, उतनी जल्दी उतनी जल्दी। फंक्शंस के समय ही अगर आप होम टूर चाहते होंगे ना, तो ढेर सारे कॉमेंट कर दीजिए, तो सारे लोग जो फंक्शन में आएंगे उससे पहले मैं होम टूर के लिए। तो गाइस आप लोगों से ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं, बिकॉज़ हम कब दें आपको। हाँ, तो मतलब होम टूर जल्दी ही फंक्शंस के समय ही आएगा, बिकॉज फिर क्या है, फिर ब्लॉग्स बनने लगेंगे ना, तो आप लोग वैसे भी घर सारा देख लोगे। क्योंकि हम इधर उधर तो होते ही रहते हैं प्रॉपर देखने के लिए। और सारी तैयारियां साथ ही साथ चल रही है, मतलब यहाँ पर भी देख रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं, घर में भी मम्मी पापा लोग और सब लोग जाए जैसे वो भी सारी तैयारियां कर रहे हैं। मतलब सब लोग अब अपना अपना पार्ट संभाले हुए हैं कि हाँ हमें किसको क्या करना है क्या नहीं करना। और एक हम लोग हैं जो बाहर का भी संभाल रहे हैं, ज्यादातर हम लोग बाहर के पार्ट संभाल रहे हैं क्योंकि वही जरूरी है। फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर टेरेस में। और 7 तारीख को फंक्शन है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग हो रही है सुंदरकांड के लिए। सुंदरकांड के पहले सुबह होगा गृह प्रवेश। हाँ, शाम को है सुंदरकांड। गृह प्रवेश के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे इस बार ब्राइडल लुक में, हाँ, नीले ब्राइड वाला। और साथ ही साथ गाइस, मतलब कि आज है 5 तारीख है ना आज। हाँ, आज के दिन इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। कल 6 तारीख है, कल हम लोग की फ्रेंडशिप हुई थी, और 8 तारीख को इनका शादी का प्रपोजल आया था, और 10 तारीख को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो डेट आपको बताई जा रही है ये एक्चुअल फैक्ट वाली डेट है। अभी अभी मैंने रिसेंटली देखा था किसी कमेंट में कि आप अपना लव स्टोरी शेयर करिएगा, उससे रिलेटेड भी ब्लॉग आ चुका है। आप लास्ट ईयर में इसी अप्रैल में के आसपास वाले ब्लॉग में देखिएगा, आपको पूरी स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमने दोबारा से शेयर करी थी आप लोगों के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो डेट्स है ना, ये हमारी लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, और ये सारी चीजें भी उसी डेट्स पर हो रही हैं। मतलब कितना बड़ा कोइंसिडेंस, जब हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई थी हम लोग एक दूसरे की लाइफ में आए थे दोस्ती की तरह ही, सही। और एक ये समय है जब हमारी फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सो मच एक्साइटेड गाइस, मतलब कि अब बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला फील बिल्कुल अलग है, जबकि अब हम आने वाले हैं बस सिर्फ 7-8-9 फंक्शंस वाली डेट है, उसके बाद 10 तारीख से हम लोग यही रहने लगे। 10 तारीख को पूरा हम हमारा सामान लेकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, एंड फिर आप लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे, जितने ज्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी आप लोगों के लिए होम टूर वाला ब्लॉग लेकर आएंगे। काम कंटिन्यू चल ही रहा है, और साथ ही साथ अभी फंक्शन का भी काम जो है ना टेंट वाला आ गया था अभी, तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एंट्री गेट बनेगा फंक्शन का, और कहाँ कैसा खाने का रहेगा सारा कुछ। तो जैसे ये डेकोरेशन भी होने लगेगा ना, तो वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट कितनी सारी चीज़ें हो जाती है ना यार, मतलब कि ये भी दिमाग में रखना है, वो भी दिमाग में रखना है, और घर का भी दिमाग में रखना है, सब कुछ दिमाग में रखना है कि हाँ ये सारी चीजें हो गई, यह है नॉन सेना वहाँ नॉन सेना, घर में क्या करना। ओ माय गॉड, हालत ऐसी हो रखी है ना, मार्केट का भी देखना, घर से हम लोग कैश लेके निकलते हैं और घर कैशलेस होके जाते हैं। सच में मतलब जितना कैश लेके निकले उसका तो हो ही जाता है, साथ ही साथ अकाउंट भी।
जाता ही जाता है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहा जा रहा है। पर इसकी खुशी है कि जो हम चाह रहे हैं जैसा चाह रहे हैं वैसा हम कर पा रहे हैं। भगवान ने हमें इस काबिल बनाया, फैमिली का इतना सपोर्ट है, सारी चीजें अच्छा लग रहा है ना। मतलब यहाँ आए हुए हमें 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं और लिटरली मन ही नहीं करता है जाने का। घर का तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब यहाँ का जब फर्स्ट व्लॉग वैसा प्रॉपर जब हम शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद जब फर्स्ट व्लॉग शूट होगा ना मॉर्निंग से, उसके वाइब भी अलग होगी यार। बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी कल तक और फाइनली हमें घर मिल जाएगा। उसके बाद गृह प्रवेश की पूजा और सुंदरकांड वगैरह जब सब चीज़ें हो जाएंगी, जब हम हमारे घर में रहने आ जाएंगे और जब मॉर्निंग होगी हमारे घर की फर्स्ट मॉर्निंग, बहुत मजा आने वाला है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना सारा प्यार आप लोग इंस्टाग्राम पे दे रहे हो, अभी लगातार बहुत अच्छा मतलब इसमें रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। तो वैसे ही हमें यूट्यूब पे भी प्यार दीजिए, इन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जहाँ मेरे जो मेरे शेयर करते रहे। तो गाइज बस काम चल रहा है इधर उधर, और एक ये छत से नीचे जा रहा है, छत पे भी काम चल रहा है अभी सब जगह बस काम ही काम चल रहा है। और अभी हम लोग बाहर आ गए थे यहाँ पे क्योंकि धूप अभी थोड़ी सी कम हो गई, तो साथ ही साथ रील भी शूट कर रहे थे और जिन लोगों को कॉल करना रह गया था ना कल के फंक्शन में इन्वाइट करने के लिए, उन्हें कॉल भी कर रहे हैं। हाँ यार, ये और... तो बहुत अच्छा मतलब आइडिया दिया है मुझे कॉल करना तो कुछ क्योंकि मैं अभी कॉल ही कर रही थी ना। और दूसरी चीज़ ये कि कॉल करने के साथ साथ अभी रोहित भैया से भी बात हो गई ना आपकी बात। हाँ। तो वही करने वाले हैं हमारे घर सुंदरकांड, और जब दूसरे दिन श्याम बाबा का कीर्तन होगा दूसरे दिन के लिए, मतलब जो चीज़ हो रही है ना वो हमारे उम्मीद से परे है। मतलब श्याम बाबा का खुद आना घर आप सभी के साथ हमने शेयर कर ही दिया था, आज और थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी मतलब खुशी है गाइस, ये जो चीज़ हो रही है ना ये समझ लीजिए कि लोग मिन्नत करते हैं ना तो भी नहीं मिलती है, बहुत बड़ी खुशनसीबी हम लोगों की जो हमारे अपने घर में उनका आगमन होने जा रहा है। सच बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये तो सौभाग्य से भी ऊपर वाला, जो सौभाग्य से भी ऊपर वाला जो सौभाग्य होता होगा वो है। और वो ये सब चीजें पता है तब हो पाती है जब आपकी सच में दिल से अगर लगन होती है ना तो वो सुनते हैं। सच में वो सारी चीजें ऐसी हुई है कि उनका आना निश्चित हो गया और वो आ जा रहे हैं ना हमारे लिए। तो मतलब मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कीर्तन तो आप सभी को पता है, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। हाँ। एक सेकंड कैमरा पकड़िए। तुम्हें क्या कह रही थी, कीर्तन तो हम लोगों ने 3-4 बार करवा लिया, आप सभी के साथ शेयर किया तो आपको पता ही है। बट वो श्याम बाबा का आना ना वो अलग ही होगा, बिकॉज वो ऐसी मतलब मूर्ति है भगवान की जो अभी प्राण प्रतिष्ठित होने वाली है हमारे भोपाल में, जो मंदिर बन रहा है उनका बहुत बड़ा परमानेंट वो वहां पर विराजमान हो जाएंगे भोपाल नरेश के नाम से, और बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है उनका। तो उनका हमारे घर आना मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये चीज सच हो जाएगी, कि हमारे घर में आने से पहले ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो वो आएंगे एंड उनके सामने जब बैठेंगे ना तो पता नहीं क्या हाल होगा। सच में वो फीलिंग्स ना, जिनकी वजह से जिनके आशीर्वाद से ये समय इतनी जल्दी आया है। हाँ। तो उनका आना तो स्वाभाविक सी बात थी कि निश्चित ही था। मतलब हम ऑलरेडी बहुत मतलब मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, अपनी बात करती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड थी गृह प्रवेश के लिए। लाइक जो गृह प्रवेश होगा वो सारी चीज़ें के लिए इनको पता है कि बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब तो मतलब अब जब से ये न्यूज़ आई है ना कि मतलब बाबा आने वाले हैं तो वो सारी चीज़ें ना भगवान जी की तरफ चली गई। मतलब हम जितनी बार बात कर रहे हैं ना तो जब श्याम बाबा आएंगे तो हम ऐसे स्वागत करेंगे, हम ऐसा करेंगे उस पल में क्या फील हो रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं ना, हम क्या ही बताएं। तो हमारे लिए मतलब शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते वो हमारे लिए चीज़ ही क्या है। जैसे ही हम जयश्री को बताते ना, वो कॉलेज से आई, हमारे पास थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि हाँ मतलब आ सकते हैं वो, तो उसके बाद जयश्री आई कॉलेज से, हमने उनको उसको जैसे ही बताया ना, मतलब गूज़बम्स तो अलग बात है, इतना रोई है ना वो लड़की कि ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे हो गया। सब लोग घर में बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ, लोगों कृपा है उनकी, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो कि इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे से हो रही है और होगी क्यों नहीं।
जब उनको खुद ही आना उनका आना लिखा हुआ था तो फिर अच्छे से अच्छा कैसा नहीं आता। बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं और जिन जो लोग भोपाल से बिलोंग करते हैं, ज्यादा दूर से नहीं है, और अगर उनके बस में है आना कि वो दर्शन कर सके आप लोग इस मूर्ति के और श्याम बाबा के और वो कीर्तन अटेंड कर सके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कॉमेंट कीजिएगा, देन हम एड्रेस आपको पर्सनली बता देंगे, क्योंकि हम इसका एड्रेस नहीं बता सकते। हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करिएगा, इंस्टा की भी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप जाइए हमें डीएम करिए, हम आपको जरूर अपना एड्रेस शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्लीज डिस्क्लोज नहीं करिएगा, डिस्क्लोज मत कीजिएगा, और मतलब यूं ही एड्रेस लेने के लिए मैसेज मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे यार ठीक है टाइम पास के लिए, प्लीज इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास, जिन्हें लिटरली जिनके बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं ना कि हमने कभी अटेंड नहीं किया, हमें बहुत मन है, कैसा होता है, और ये बात सही है कि उनका कीर्तन अटेंड करना ना खुद में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, उनकी ज्योत के सामने जब हम कुछ बोल देते ना वो ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ पूरी ना हो। ना सही बात, ये हम लोगों का अपना खुद का पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल जो लोग आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। कुछ देर अभी और हम हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और काम चल रहा है, देख लें सारा कुछ फिनिशिंग वर्क है, तो वैसे हमारा यहाँ जरूरी नहीं कि हम रहकर ही काम करवाएं, हमारे बिना भी काम बहुत अच्छा बहुत शानदार हो जाता है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद रहती है कि हाँ वैसे ही होगा, हम अपनी खुशी से रहते हैं। ये मुझे, मैं जब अकेले भी आता हूँ ना तो ये मुझे बोलते हैं कि इतने टाइम से वहाँ पर, मैं इनको वीडियो कॉल पर दिखाता रहता हूँ, मुझे बोलते हैं इतने टाइम से यहाँ पर, अब जब ये मेरे साथ आती हैं तो इनका खुद भी मन नहीं करता है। अभी इस ब्लॉग के बाद ना मतलब जो ब्लॉग्स आएंगे वो अलग ही रहेंगे, बिकॉज जब हम तैयारियाँ होस्ट करते रहेंगे ना वो सारे ब्लॉग्स रहेंगे, तो मे भी कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा परिणाम होता है शेयर ना करें, और कोशिश करेंगे कि आपको मल्टीपल ब्लॉग्स देते रहें, तो आप हमारे चैनल पर हमारे इंस्टा पेज पर ऑल टाइम एक्टिव रहिएगा, ताकि जब भी ब्लॉग्स वीडियोस आएँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आप लोग ब्लॉग और वीडियोस तक पहुँच जाएँ। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मुझे भी अपना पिच को थोड़ा हाई करना पड़ा है, तो इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग लेकर, सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एंड खूब 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 सारा शेयर करिए, बाय बाय।